शहरी पिछड़ा वर्ग के लिए अमल में लाई जाने वाली रमाई घरकुल योजना के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार ने वर्ष 2017 से एक भी रुपया नहीं दिया। भाजपा नगर सेवक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम ने प्रेस परिषद में यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2014 में 14 करोड़ 90 लाख और जून 2017 में 25 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दिए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक रुपया भी नहीं दिया। इस योजना के तहत दो चरणों में लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं और अंतिम किस्त 50,000 रुपए दी जाती है। इस तरह 2.5 लाख रुपए एक लाभार्थी को दिया जाता है। सिटी में 990 लाभार्थियों का प्रस्ताव है और 274 लाभार्थियों को अब तक एक भी किस्त इस सरकार ने नहीं दी। रमाई घरकुल योजना सर्वविदित है, या शहरातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या ही अनुसूचित जाती वर्गाचे रहिवासी लाभार्थी जे नागपूर शहरातल्या विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात त्यांना घर बांधकामासाठी राज्य शासनाचं प्रति परिवार 2.5 लाख रुपयाचं अनुदान मिळतं। ही योजना या राज्यामध्ये मागच्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि माननीय देवेंद्रजी फडणवीस या राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर सन 2014 पहिल्यांदा या शहरातल्या रमाई घरकुल या योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना 14.906 करोड़ रुपये पहिल्यांदा प्राप्त झाले। त्यानंतर 2017 जून 2017 25 करोड़ रुपये प्राप्त झाले। आणि या शहराचं दुर्दैव आहे की महाविकास आघाडीचं सरकार उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात आल्यानंतर आणि या नागपूर शहराचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री कथित आंबेडकरवादी नेते नितीनजी राऊत झाल्यानंतर या शहराला या योजनेअंतर्गत 1 रुपया देखील प्राप्त झालेला नाही। आमचं म्हणणं असं आहे की या महाराष्ट्राचं महाविकास आघाडीचं सरकार ते पवार साहेब असतील की काँग्रेसचे नेते असतील किंवा मग आता नव्यानं धर्मनिरपेक्ष झालेले छद्म धर्मनिरपेक्ष झालेले उद्धवजी ठाकरे असतील। मिश्रा ने बताया कि पालक मंत्री नितिन राउत ने जुलाई 2021 में राज्य सरकार के पास इस योजना के लाभार्थियों के लिए 40 करोड़ रुपए का मांग पत्र भेजा, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। इस सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटकी और पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए के नेतृत्व में 27 अक्टूबर को संविधान चौक से कलेक्ट्रेट तक मोर्चा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मनपा के इस योजना के लिए आई निधि खर्च हो गई है। उस निधि का 7.50 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन यह निधि मनपा अन्य जगह खर्च नहीं कर सकती। इस दौरान पूर्व विधायक मिलिंद मानी, चंदन गोस्वामी, संदीप जाधव, राजेश हत्तीबेड़, दिलीप गौर, परशु ठाकुर, नीता ठाकरे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।